हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल अनुभव विद रवि के मैथ्स में स्वागत है। तो हेलो दोस्तों, आ जाइए फिर से हमारी क्लास में। और अब हमारा कौन सा क्वेश्चन होगा? 9 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है? 1 + sin θ / cos θ + cos θ + 1 + sin θ = 2 sec θ। हमें क्या सिद्ध करना है? इस पूरे का मान इसके बराबर आना ही चाहिए, यानी कि इस साइड को क्या कहते हैं? LHS बराबर RHS। हमें यही सिद्ध करना है कि दायां भाग बराबर बायां भाग। इस साइड को कहते हैं दायां भाग और इस साइड को बायां भाग। तो इसको तो रहने देते हैं, क्योंकि यही तो हमें सिद्ध करना है। तो हम कर लेते हैं इसका पूरा स्पष्टीकरण। अब बताओ दोस्तों, ऊपर क्या दिया गया है आपको क्वेश्चन में? सिंपल है, वीडियो को आखिर तक देखते रहो, पूरा समझ में आ जाएगा। नहीं आए ना तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें जाके जो भी कुछ कहना चाहता है कह सकता है। अब दोस्तों, मैंने आपको क्या कहा है कि नीचे वाले संख्या का क्या लेंगे हम? एलसीएम। आप अगर एलसीएम लेते हो तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करता हूं, हर वीडियो में वज्र गुणा कर देता हूं। यानी कि इस संख्या को इसके साथ, इसको इसके साथ, और नीचे वाले के साथ। ठीक है, तो यहां पर देखो, 1 + sin θ को 1 + sin θ से गुणा करेंगे तो 1 + sin θ, और ऊपर क्या लग जाएगा? सुकर, क्योंकि एक ये है और एक ये है, पूरा एक ऊपर क्या लगा देंगे? सुकर। इसके बाद यहां पर क्या निशान है? प्लस का निशान है, तो यहां पर लगा दिया प्लस। अब cos थीटा को cos थीटा से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? कितना cos हो जाएगा? ऊपर सुकायर लग जाएगा, ऊपर क्या लग गया? सुकायर। अब बट्टा नीचे वाले का, इन दोनों को क्या करना है? आपस में गुणा करना है। cos थीटा को किससे गुणा करना है? 1 + sin θ से, तो cos थीटा और 1 + sin θ, क्योंकि इन दोनों के साथ इसका गुणा हो गया। अब बताओ दोस्तों, यहां पर 1 + sin θ, आपको कोई सूत्र याद आ रहा है? ये होता है सूत्र। क्या सूत्र होता है? a + b, और ऊपर क्या लगा हुआ है? सुकायर, तो सुकायर लगा दिया। इसका इस सूत्र को खोलेंगे तो कैसे आएगा? a² + b² + 2ab, ये होता है फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम इसके लिए। तो बताओ दोस्तों, a के जगह पर क्या है? 1, तो उसमें क्या कहा गया है कि 1 का स्क्वायर। फिर b, तो b की जगह पर क्या है? साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद बीच में क्या लगा है वहां पर? प्लस, तो प्लस। अब 2ab, यानी कि 2 का तो 2, a कितना है? 1, b कितना है? साइन थीटा हो गया इस पूरे का। अब प्लस में क्या लगा हुआ है? कोस स्क्वायर थीटा। अब बट्टा में क्या है? कोस थीटा, और ब्रैकेट 1 + sin θ, हो गया ना इतना। अब बताओ ऊपर क्या होगा? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 + sin θ, यहां पर क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या है? कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको एक साथ लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बाद में प्लस। अब 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 ही आएगा, और फिर 2 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 2 sin θ। अब दोस्तों नीचे क्या है? बट्टा में। बताओ नीचे क्या है? कोस थीटा, और ब्रिकेट यहां पर 1 + यहां पर साइन थीटा, और ब्रिकेट इतना है। अब मैं क्या करता हूं बताओ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सारणी में देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इतने पूरे का मान क्या होता है? हम सब जानते हैं ना, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इस साइन में क्या दिया गया है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस पूरे के स्थान पर हम कितना लिख देंगे? 1 लिख देंगे। तो अब दोस्तों मेरे पास नीचे जगह नहीं है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं यहां से। तो यहां से देखते रहना, इसके स्थान पर रखा हमने 1, यहां पर क्या है आपका? पहले से 1 है, उसके साथ प्लस का 1 लग गया, उसके बाद क्या बचा? प्लस, तो प्लस 2 sin θ। अब बताओ बट्टे में क्या है? बट्टे में है cos थीटा, और ब्रिकेट का ब्रिकेट 1 + sin θ, यहां पर 1 + sin
थीटा, थोड़ा सा देख लेना यहां पर, एक प्लस साइन थीटा है। अब बताओ एक और एक को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, दो बीच में है प्लस, तो प्लस दो का दो, साइन थीटा का साइन थीटा कर दिया। अब नीचे क्या होगा, कोस थीटा का तो कोस थीटा, ब्रिकेट का ब्रिकेट, एक का एक, प्लस का प्लस, साइन थीटा का साइन थीटा। अब यहां से देखना दोस्तों, यहां पर दो है और यहां पर भी दो है, यानी कि कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेना आता है ना, कि यहां से अगर कॉमन लिया दो को तो अंदर क्या बचा, यहां पर एक प्लस, यहां पर दो कॉमन ले लिया तो क्या बचा अंदर, साइन थीटा। और नीचे क्या है, नीचे है आपका कोस थीटा और ब्रिकेट में क्या है, एक प्लस साइन थीटा। तो कोई चीज कट रही है क्या, कट रही है भाई, एक प्लस साइन थीटा से एक प्लस साइन थीटा कट गया, ऊपर क्या बचा दो और नीचे क्या बचा कोस थीटा। तो बताओ कोस थीटा बचा है नीचे, तो एक बट्टा, इसे मान लो कोई गुणा में एक है, तो एक बट्टा कोस थीटा किसका सूत्र होता है, एक बट्टा कोस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का। और हमें लाना क्या है, सेक थीटा, यानी कि कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, एक बट्टा सेक थीटा। बताओ सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, एक बटा कोस थीटा। तो यहां पर क्या है, एक बटा कोस थीटा, और हमें लाना क्या है, दो सेक थीटा। तो अब बताओ ऊपर क्या है, दो, और एक बटा कोस थीटा का क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो बताओ हमें यही तो सिद्ध करना था, यानी एलएचएस का मान क्या आना चाहिए, दो सेक थीटा, और हमने ले आया है दो सेक थीटा। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, इजी है, सिंपल है, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय, देखते रहे हमारे चैनल अनुभव द्रवी के मैथ्स को।